हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आरएस स्टडी पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आज हम क्लास 11 का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल, आपने वह 10th क्लास में भी पढ़ा होगा और इसमें भी पढ़ेंगे 11। क्या है त्रिकोण मिति? बहुत ही सिंपल सा है त्रिकोण मिति, चैप्टर है आपका 3। ठीक है, चैप्टर 3 दिखाई दे रहा होगा? हाँ क्लियर है, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कल वाले वीडियो की पूरी दिखाई दे रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम देखते हैं, देखिए अब चैप्टर जो 3 है त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति कहते किसे? देखो इसी जो नाम है उसी में छुपा हुआ है त्रिकोणमिति। त्र मीन्स 3, कोण हिंदी में कहते हैं, इसे इंग्लिश में एंगल कहते हैं। ठीक है, जहाँ दो रेखा एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, उनके बीच आने वाले झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है, मिति मीन्स मान, तो इसे हम अपने शब्दों में ऐसे कहेंगे त्रिभुज भुजाओं तथा कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है बच्चों, दोबारा देखेंगे डेफिनेशन, त्रिभुज में भुजाओं तथा कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब आराम से देखो पढ़ें, कहीं जल्दी वाली बात नहीं। अब देखिए त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ठीक है बेटा, कौन कौन से होते हैं आपको पता हो क्या? देखो ये होता है साइन, कोसाइन, टेन जेड, साइन कोस टेन है, को और लगा दो को टेन जेड, सिकेंट इसमें को और लगा दो। किंतु याद करने के लिए हम कितना पढ़ते हैं, इसका साइन ऐसा ही है, इसका कॉस 3 अक्षर, इसका टेन, इसका कोट, इसका सेक, और ये सेम है। देखो तो इसका कॉसेक पढ़ते हैं क्योंकि वो ऊपर कॉस है ना, इसलिए इसके 4 अक्षर में भी कॉसेक पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमिति फलक है। देखो साइन कोस टेन कोट सेट कोस, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल। इनका हिंदी का नाम है, साइन को कहते हैं जिया, इसे कहते हैं कोजिया, इसे स्पर्शजिया, इसे कोट स्पर्शजिया, ये सीकेंट है, ये कोसी कैंट, बस इनके हिंदी नाम जिया कोजिया स्पर्शजिया कोट स्पर्शजिया सीकेंट कोसी। ठीक है, ये आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। इनको ये टोटल फुल नाम है, इनके 3-3 अक्षर लिखे लिखे गए हैं, ये सेम हो जाता कॉस, इसीलिए इसके 4 और 5 अक्षर। ठीक है, कोई बात नहीं, अब देखते हैं सूत्र। देखिए और ये जो है हमेशा संपूर्ण त्रिभुज में ही यूज होता है बेटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आज हम सूत्र पूरी तो खैर नहीं हो पाए, बहुत अंतिम सूत्र है, ज़्यादातर सबसे पहले मैं सूत्रों के डेरिवेशन कराऊंगा, यानी निगमन कराऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं,
देखिए सबसे पहले ये हम भी त्रिभुज बना रहे हैं ए बी सी। ये कैसा त्रिभुज है कोई बता सकता है? ये क्या है? त्रिभुज है। अभी समकोण त्रिभुज नहीं कह सकते क्योंकि अभी हमने इसको नाम नहीं दिया है। ये हो गया सम। अब देखिए इस केस जहाँ पर आपका 90 डिग्री है उसके जस्ट सामने की भुजा बेटा क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। जिसे हम एंगल मानते इसे थीटा जो मान लिया है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। मीन्स यदि आपने इसे लंब थीटा माना है तो ये लंब होगी। अब तीसरी जो भुजा है बेटा आपकी वो आधार ही रहेगी। ठीक, कोई दिक्कत? 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण जिसे थीटा देंगे आप, जैसे इसे ए को थीटा दिया है तो लंब ये होगा, जब सी को मानेंगे तो आधार तीसरा रह जाएगा। ये बात ठीक है, इसमें कोई देखा वाली बात नहीं। याद करने वाली बात है कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। चाहो तो इसे नोट पॉइंट आपके या 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण ठीक है। दूसरा पॉइंट जिसे आप थीटा मानो थीटा के सामने की भुजा हमेशा ऐसी होती है लंब। सही बना हमेशा लंब होती। अब तीसरी भुजा है बेटा वो क्या हो जाएगी? तीसरी भुजा आधार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप और देखते हैं, इतना मैंने तो आप देखते हैं इसके सूत्र बना इसी बेटा। एक चीज याद रखनी आप कुछ नहीं, देखिए ये जो है आपका लाल बटे का पूरी त्रिकोण एसी पे आ रहा है। यदि ये समझ लिया तो त्रिकोण मिति इज सिंपल। बहुत सारे वो गणित पूरा है सर, वो पहले ही बता दिया, गणित सिखाने की मेरी गारंटी है। डेली आप क्लास लेते रहे वो जितना करा उतना करते रहिए। मैं पहले ही बोला था आपको 10th क्लास में जब पढ़ते थे कि आप जितना वर्क मैं करा रहा हूँ उतना करते रहिए। आगे एक भी क्वेश्चन सुनो जी, कराए आप 10 क्वेश्चन कराए, एक क्वेश्चन कराए, 10-5 जो भी हैं उनको घर पर जाके रिवाज कर, वो आप करते नहीं हैं ठीक है ना, तो वो तो आपको ही करना है ठीक। कोई बात नहीं, आते हैं अब ये लाल कोण पर। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साइन ये कॉस होता है बेटा, ये टेन होता है, ये कॉट होता है, और ये सैन और ये कॉस है। मैन होते हैं ये तीन और ये तो बाकी वुमेन ठीक है ना, अरे वही मैन तीन है उनके अपोजिट। साइन का होता कॉस है, कॉस का सैन, टेन का ठीक। अब देखो कोई आपसे पूछ रहा है सूत्र भुजाओं के पदों पहले बता, भुजाओं के पदों दिखाई दे रहा होगा ना? अरे दे रहा होगा, देखो दिखाई की बड़ी समस्या है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। चलिए ये साइन आपसे पूछ रहा है, वो ये कह रहा है साइन थीटा ठीक है, साइन थीटा मतलब चीज़ ऐसे मान रहा है। तो एफ फॉर होता है बेटा लंब, ए फॉर होता है आधार, के फॉर होता है उत्तर ठीक है। तो साइन थीटा का मान भुजाओं के पदों में पूछा जाएगा तो एल अपॉन के मतलब लंब बटे एल अपॉन के, इसे आप बी सी अपॉन ए सी ले सकते हैं, बी सी अपॉन ए सी ठीक है। आगे यदि कॉस का पूछ रहा है तो आधार कर्ण
आधार है आपका ए बी और ए सी टेन बेटा देखो टेन लंब बटे आधार लंब क्या है बेटा बी सी आधार। अब यही साइन कोसेट पूछ लिया जाए तो कोसेट क्या हो जाए कर्ण बटे लंब, कर्ण अपॉन लंब यानी ए सी अपॉन बी सी। और यही पूछ लिया जाए सेक बेटा तो कर्ण बटे ए कर्ण कितना है ए सी और आधार कितना है ए। उसके बाद यदि कॉट पूछे जाएगा तो ए बट्टे एल यानी आधार बट्टे लंब आधार क्या है आपका ए सी तो ए सी इसमें ए भी लिखना चाहिए पहले नहीं लिखा अरे भाई लंब है बी सी आधार ए सी ठीक है आधार ए बी अपॉन बी सी बस हो गई। ये आपके भुजाओं के सूत्र हो गए। अब इसी में ये पूछा जाए कि थीटा के पदों में बताओ थीटा के पदों कोई दिक्कत नहीं आप भी बता दें ये आपको क्लियर हो गया। भुजाओं के पदों में पूछा है तो वही साइन है तो लंब बट्टे का कुछ नहीं किया तो लाल बट्टे का थोड़ा कोने में कहीं लिख लीजिए और सीधे लंब बट्टे का आधार बट्टे का आधार बट्टे आधार आधार बट्टे आधार कर्ण बट्टे का एक सांस में बताओ कोई दिक्कत ही नहीं है मैं पहले ही बोल दिया ठीक है। अब हम इसी अभी हमने ये भुजाओं के पदों में बताया होगा अब हम देखते हैं इन्हें थीटा के पदों में कैसे जिसे थीटा माना थीटा के पदों में तो देखो साइन कुछ नहीं करना साइन साइन अब ये यहाँ ऊपर बचेगा ए बटे कॉस साइन थीटा का सूत्र थीटा के पदों में कॉसेक ठीक है और कॉसेक पूछ लिया जाए तुरंत उल्टा कर दो तो वन अपॉन क्या हो जाएगा साइन ठीक है कोई अब कॉस वन अपॉन सेक वन अपॉन सेक और सेक पूछ लिया जाए तो वन अपॉन कॉस आगे टेन पूछ लिया जाए तो वन अपॉन कॉट और कॉट पूछ लिया जाएगा ना तो क्या हो जाएगा बताओ कॉट पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा वन अपॉन टेन देखो हो गया दो दो चार कुछ हो गए सब कुछ हो गया बहुत इजी है। साइन का उल्टा कोस का उल्टा साइन कोस का उल्टा सेक सेक का उल्टा कोस एक और सूत्र देखिए कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको मुझे ये यकीन है कि आपको कोई प्रॉब्लम ठीक है ना। अब देखिए टेन थीटा बराबर ये होता है साइन टेन के टेन और कॉट के तीन सूत्र एक तो भुजाओं के पदों में और एक है थीटा के पदों और इसे बोलेंगे साइन और कॉस के पदों में। तो देखो अब आप कहीं ये कहाँ से बना दिया आपने सूत्र ठीक कोई बात नहीं हम इसकी एल एच एस टेन देखो टेन थीटा क्या होता है टेटीजा देखो क्या होता है लंब बटे लंब आधार यही होता है ना अरे होता है कोई बात नहीं अब इसमें हम कुछ कर नहीं पाते फिर देखो साइन में क्या होता है कर्ण होता है ना तो कर्ण का हम इसमें दोनों में भाग लगा दिया इसके नीचे भी भाग लगा दिया और इसके नीचे भी बता कोई दिक्कत या ये कह दो कि कर्ण का दोनों में भाग अब देखो लंब बटे कर्ण क्या होता है बोल दो तो लंब बटे कर्ण क्या होता है और आधार बटे कर्ण क्या होता है कॉस थीटा लो ये आंसर नर्सरी का क्वेश्चन है हम कह ही नहीं रहे कि ये टेंथ का है या फर्स्ट ईयर का अरे छोटी सी बात नहीं कच्चा ठीक है कोई दिक्कत नहीं टेंथ क्या होता है लंब बटे आधार हमें कर्ण में बनाना था आपने कर्ण के बनाया क्योंकि साइन में होता है लंब बटे कर्ण कर्ण के लिए क्या करें कर्ण का इसमें भी भाग लगा दिया और इसमें इससे चारों तो कट जाएगा लंब बटे कर्ण साइन हो गया आधा बटे कर्ण कॉस ठीक इट इज वेरी सिंपल। अब देखते हैं कॉट का बेटा कॉट क्या है कॉट का होता है कॉस बटे साइन कॉस एल एच एस कॉट थीटा देखो कॉट आधार बटे लंब ठीक है वही कर्ण का डिवाइड कर दो डरना नहीं है मेरे से ठीक है ना जवाब हमारे
हमारे साथ, हम आपके साथ। तो मैथ में टेंशन लेने की कोई बात नहीं है मेरे प्रिय छात्रों, टेंशन छोड़ दीजिए, केवल पढ़ाई करो। अब आधार बटे कर क्या होगा बेटा कॉस, और लंब बटे कर क्या होगा साइन, मुझे क्या साइन हो गया तो कुछ नहीं है, छोटे छोटे सब। अब देखते हैं ये भुजाओं के पदों में ठीक है, अब बहुत ही बेहतरीन जो आपके काम आने वाले ठीक है, क्या है इन्हें ये सूत्र होते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल पर। अब आपसे ये पूछा जाए कि बच्चों ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पर आपने टेंथ में किया कर लिया होगा, किंतु जो बच्चे हमसे संपर्क में थे तो मैंने उसका इसका डेरिवेशन भी कराया है कि ये कहाँ से कराया है, देख लेना कॉपी उठा के, और थोड़ा दिमाग दौड़ा लो तो भी मालूम पड़ जाएगा कहाँ से, और कि नहीं कह सकता, किंतु मेरे पास जो जुड़े हैं उनके लिए प्रत्येक के लिए मैंने इस सूत्र का तो भी कर ठीक। देखिए हमारे पास पाइथागोरस था, क्या है देखो कर्ण लंब स्क्वायर ठीक है, इसमें हम कर्ण स्क्वायर का पहले भाग कर्ण स्क्वायर का दोनों पक्षों का देखो कर्ण स्क्वायर और टेन कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर दिस, इसे हम शॉर्ट को कौन से लिख सकते हैं देखो कर्ण से कट कट गया एल अपॉन के हो गया ए अपॉन के, तो देखो ये अभी था आपका जी हमने बता दिया था, ये आपका साइन कोस टेन कोट सेक और ठीक। अब देखो लंब बटे कर्ण क्या है, लंब बटे कर्ण साइन है साइन स्क्वायर थीटा, और आधार बटे कर्ण क्या है बेटा प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे दो सूत्र और बना लेते हैं कैसे, एक बार साइन को इधर एक बार कॉस को इधर, तो वन माइनस साइन स्क्वायर पूछ रहा है तो कॉस स्क्वायर हो गया, और वन माइनस कॉस स्क्वायर पूछ रहा है तो साइन स्क्वायर, दो सूत्र ये बन गए। अरे ये साइन घर गया तो वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और वन माइनस कॉस स्क्वायर इट इज सिंपल ठीक है ना। अब टेन वाला ठीक है इसी में डाल ठीक है, दिखाई दे रहा होगा इधर दिखाई दे रहा है मुझे तो दिखाई दे रहा है, अब देखते हैं आपको दिखाई देता है ठीक है। देखिए अब एक सूत्र होता है वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेवन स्क्वायर, तो वही प्रमेय लेके चलिए बाई पी टी शॉर्ट में लिख दिया मैंने बाई पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते हैं सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बेटा ठीक है, अब इसमें आधार स्क्वायर का देखो आधार स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग देने पर ऐसे कर्ण स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर अपॉन दिस के अपॉन ए यस वेरी गुड स्क्वायर लंब बटे आधार लंब बटे आधार क्या बेटा टेन हो गया कि नहीं हो गया बताओ, वन प्लस टेन स्क्वायर से सिंपल है ना, कोई एक बार टेन को ले लिया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन, और एक बार वन को ले लिया सेक स्क्वायर माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर, बहुत इजी क्वेश्चन है आराम से सॉल्व कर लीजिए। अब देखो क्या करेंगे एक देखते उसके बाद एक्सरसाइज हम कल से बेटा शुरू ठीक है, आज सूत्र लिखा दे रहे हैं थोड़े बहुत सूत्र हैं तो लिखिए। अब एक सूत्र होता है
कौन से? वन प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर जितना। तो अभी आपने कर्ण का लगा लिया आधार का, अब लंब स्क्वायर का लगा। देखो बाई ई लंब कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग। तो जब कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, इससे ये कर्ण बटे लंब। देखो कर्ण बटे लंब क्या है? कॉस 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 वन आधार बटे लंब क्या है? तो देखो हो गया वन प्लस कॉट स्क्वायर, वन को इधर ले आइए एक बार वन को लाए एक बार कॉट को लीजिए आंसर। ठीक है, ये आपके नौ सूत्र होगा उससे पहले। अब हम एक्सरसाइज बेटा कल शुरू करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले आप तैयार कर लेना, कल फटाफट फटाफट एक सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके।